फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज इलास्टिसिटी एंड हम देख रहे हैं मटेरियल में, कोई कोई मटेरियल में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज होती है, तो हम जो डिफाइन करने वाले, स्टडी करने वाले इलास्टिसिटी टर्म पर। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? ऐसा मटेरियल जिसको बॉडी को स्ट्रेच करने पर वापस अपनी बॉडी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाती है, तो ऐसा मटेरियल इलास्टिसिटी कहलाती है। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो स्ट्रेच करने पर अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी बॉडीज प्लास्टिक बॉडी होती है, यानी उसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है। और अब हम आपको कोई एक एग्जांपल लेके बताने वाले हैं कि ऐसी बॉडी किस तरह से होती है। ये एक बॉडी है रबर बैंड, जिसका शेप एंड साइज एक जैसा है, और जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने पर ये अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाती है, तो इस तरह के मटेरियल को हम बोलेंगे, इस तरह के मटेरियल में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आप यहां देख सकते हो, मैं बॉडी को स्ट्रेच कर रही हूं, इसका मतलब फोर्स लगा रही हूं, जितना फोर्स लगाऊंगी उसके एरिया में उतनी कमी आएगी, यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इलास्टिसिटी का? फोर्स अपॉन एरिया। अब आपने जैसे रबर बैंड में देखा कि कोई बॉडी को स्ट्रेच कर रहे थे, जैसे मैं इस बॉडी को स्ट्रेच कर रही थी, इस पर जो फोर्स लग रहा था, ये फोर्स था डीफॉर्मिंग फोर्स, और छोड़ने पर ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाती है। तो इस तरह के हम जो फोर्स लग रहा है वापस, इस फोर्स को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो आपने देखा कि यहां पर एक डायग्राम मैंने बनाया कि अगर कोई स्टील की बॉडी है या कोई भी एक बॉडी है जिसको हमने फोर्स नीचे लगाया, जो फोर्स स्ट्रेच करेगा या कंप्रेशन करेगा उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस फोर्स लियाता है, ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। जैसे आपने अभी बॉडी में देखा कि जितना हमने फोर्स लगाया उसका एरिया उतना कम हुआ। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनेगा फोर्स अपॉन एरिया। सो अब ऐसी बॉडी, ये बॉडी आपने देखी, इसमें इलास्टिसिटी तो है, बट इस इलास्टिसिटी की एक लिमिट भी होती है, यानी अगर ये बॉडी को मैं और ज्यादा स्ट्रेच करूं, इतना स्ट्रेच करूं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके बाद इसकी शेप एंड बॉडी साइज में चेंज आ जाएगा, इसके बाद ये अपनी ओरिजिनल साइज में नहीं आ पाएगा, एक लिमिट होती है, ये इलास्टिक की लिमिट है, ये इलास्टिसिटी लिमिट होती है। अगर मैंने इससे ज्यादा इसको खींचा या स्ट्रेच किया तो ये टूट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जब कोई बॉडी लास्ट एक लिमिट आ जाती है कि वहां तक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहती है, उस चीज को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। और जैसे ही वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर देता है, वो पॉइंट आगे का होता है फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पर वो बॉडी टूट जाती है। जैसा आपने देखा, स्ट्रेस, अगर हम कोई बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं तो उस बॉडी को स्ट्रेच करने पर मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं मतलब उसका एरिया कम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम यहाँ पे बोल रहे हैं इलास्टिसिटी का एक प्रॉपर्टी होता है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस तीन टाइप के होते हैं, उसी तरह स्ट्रेन टाइप भी होता है। वो स्ट्रेन भी यही है कि जितना उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है वो उसका स्ट्रेन होता है। तो सीधी बात है, स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, कितना चेंज हुआ ओरिजिनल लेंथ। तो ये दो फॉर्मूला होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के, फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन है, या तो वॉल्यूम में चेंज होगा या किसी टाइप में चेंज होगा, तो वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। और अब ये थ्री टाइप्स के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर कोई बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी है, जैसे कोई वायर है, कोई स्टील की इक्विपमेंट है, तो उस बॉडी को अगर मैं कोई बॉडी को स्ट्रेच करूं, स्ट्रेच करने पर
मतलब यहाँ फोर्स लगाया एम जी, और यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसका लेंथ एल बोला है, उसके चेंज इन लेंथ कितना है डेल एल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम इसमें निकालेंगे कोई ऐसी बॉडी जो सिलेंड्रिकल बॉडी है। तो अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ मतलब डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब एल। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। यहाँ पे दो टाइप भी और होते हैं जो तीनों में अवेलेबल रहेंगे, जैसे टेंसाइल एंड सेकेंड होता है कंप्रेशन। टेंसाइल एंड कंप्रेशन, टेंसाइल वो चीज जब किसी बॉडी की लेंथ में इंक्रीज हो रही है तो वो टेंसाइल होगा। यदि कोई बॉडी ओरिजिनल बॉडी से अपनी लेंथ को डिक्रीज कर रहा है तो वो कंप्रेशन में होगा। यहां हमारी बॉडी इंक्रीज हो रही थी तो जो फॉर्मूला बनेगा वो था टेंसाइल के लिए। अगर बॉडी डिक्रीज होती, मान लो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, ये बॉडी यहां तक के पहुंच जाती यहां तक के, तो यानी उसकी लेंथ में डिक्रीज होता, तो यहाँ पर जो स्ट्रेन होता फोर्स अपॉन एरिया तो सेम होता, बट कंप्रेशन में जो होता है स्ट्रेन कितना होता है माइनस डेल एल अपॉन एल। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकेंड टाइप है अब हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। सेकेंड टाइप है वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ऐसा कोई बॉल या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम हो और यहां फोर्स के कारण जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। तो जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला पॉजिटिव में आएगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा यानी कोई स्पंज बॉल है जिसको अपन चारों तरफ से दबा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा कंप्रेशन में जाएगा। तो जो फोर्स है वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ वॉल्यूम स्ट्रेन इट्स चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिख देंगे डेल वी अपॉन वी। और अगर कंप्रेशन होता तो, कंप्रेशन अगर होता तो माइनस डेल वी अपॉन वी। ठीक है, ये जो हमारा था ये कौन सा था टेंसाइल के लिए था, टेंसाइल, और ये था कंप्रेशन। सो ये था वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। अब नेक्स्ट है हमारा शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन। थर्ड है शियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई क्यूबॉइड या क्यूब जो नीचे से अपनी प्लेस से फिक्स्ड हो और अपर साइड में अगर मैं फोर्स लगा रही हूं तो उसका एंगल क्या होगा चेंज होगा। तो इस तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए हम देखेंगे शियरिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया एंड शियरिंग स्ट्रेन चेंज इन एरिया या चेंज इन एंगल अपॉन ओरिजिनल एंगल। सो इट्स डेल थीटा अपॉन थीटा। नाउ अगर हम कंप्रेशन करेंगे तो थीटा डेल थीटा अपॉन थीटा माइनस में जाएगा जो कि कंप्रेशन के लिए था, ये हमारा जो आया टेंसाइल के लिए था। सेम एज इट इज फर्स्ट, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आपको तीनों चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. आपने इलास्टिसिटी बॉडी को देखा, उसमें स्ट्रेस भी था, उसमें स्ट्रेन भी था. जितना स्ट्रेस किया बॉडी को उतना स्ट्रेन ही था. तो ये हुक्स जी ने इसका स्टडी किया और हमको बताया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये इसका स्टेटमेंट है. तो वही स्टेटमेंट को हमको मैथमेटिकल टर्म में लिखना है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. नाउ प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है और हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो कॉन्स्टेंट लगेगा वो लगेगा ई स्ट्रेन ई, और जो स्ट्रेन है वो जाएगा स्ट्रेस के अपॉन में. सो ई का वैल्यू आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू ई. सो ई इज कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन अपॉन में आया स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इक्वल्स टू ई. नाउ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, नाउ इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो दिस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इट्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो अब हम देखेंगे कितने टाइप के मॉड्यूलस है इलास्टिसिटी में. थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, फर्स्ट इज यंग मॉड्यूलस, फर्स्ट इज यंग मॉड्यूलस. यंग मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. मॉड्यूलस का मतलब ही यही होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो द रेशियो बिटवीन खांसना बंद कर, बीच में क्या है बहुत मारूंगी मैं आपने. पापा इन दोनों को बोला था यंग मॉड्यूलस. मॉड्यूलस मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. द रेशियो बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इट्स कॉल्ड अ यंग मॉड्यूलस. पापा इन्हें पीछे घर में बैठे हंस रहे हैं, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं. अब क्या करना है भाई, द रेशियो बिटवीन The ratio between longitudinal stress and longitudinal strain is called a Young modulus. So, Young modulus के लिए जो formula बनेगा, longitudinal stress upon longitudinal strain is denoted by Y, and Y equals to longitudinal stress. Longitudinal stress is force upon area, and longitudinal strain recall करके आप पीछे देख सकते हैं. Longitudinal strain का value हमने यहाँ पे देखा del L upon L. So del L upon L ये third block में है, ये first block में चल जाएगा. Young modulus equals to F into L A into del L. यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जा रही है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर किसी सिलेंड्रिकल बॉडी को बीच में से हम ब्रेक करें तो वो जो भी सर्कमस्टेंस हमको एरिया मिलेगा उसका एरिया हमें लिखना पड़ेगा. तो ये सिलेंड्रिकल एरिया नहीं लेंगे हम, यहाँ पे इसको क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे. तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा आएगा ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ पर एरिया की जगह आपको पाई आर स्क्वायर रखना है, और फोर्स कितना लगा एम जी, ठीक है. तो यहां पर आप पुट करेंगे y इक्वल्स टू
एम जी इंटू एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। तो ये होता है यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला। और सबसे मेन मॉड्यूलस यंग मॉड्यूलस ही है।